बहराइच पैरोल पर बाहर निकला 9 लोगों का नरसंहार का दोषी भैंस चोरी में पकड़ लिया गया है। शातिर अपराधी बिल्टा पुलिस के हत्थे उस वक्त चढ़ा जब वो एक भैंस चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था, तभी पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि उल्टा के ऊपर सन 1992 में 9 लोगों के नरसंहार का आरोप लगा था, जिसके सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बुल्टा पैरोल पर बाहर आया था, जिसके बाद वह भैंस चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था, तभी पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके पास से एक तमंचा, 12 बोर बंदूक, जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। ये मामला बहराइच के थाना खैरीघाट जिला अंतर्गत का है। खैरीघाट पुलिस को एक शातिर अपराधी को भैंस चोरी करते हुए पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है, जिसका नाम बुल्टा उर्फ मुनेश्वर है। यह वर्ष 1992 में 9 व्यक्तियों की हत्या का मुख्य अपराधी था। उस समय जिन मृतकों की इसने हत्या की थी उनका नाम मुस्तफ़ा अब्दुल इजार निशार, आशिक अली, मासूम अली अंसार, साहिद हुसैन और मोहम्मद उमर थे, जिनकी निर्मम हत्या करने में ये इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। 38/92 धारा 147, 148, 149, 336, 436, 302, 323, 504 भादवी थाना खैरीघाट पर। इस मुकदमे की सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय सत्र न्यायालय द्वारा 8/5/2001 को इसे आजीवन कारावास से दंडित किया गया था, तथा उसके बाद से यह हाईकोर्ट से पैरोल पर रिहा हुआ था। इसके विरुद्ध कुल 15 अपराध गुंडा एक्ट के, NDPS, जानलेवा हमले, लूट और चोरी के पंजीकृत हैं। यह विभिन्न घटनाओं में खैरीघाट के शामिल रहता था और आज भैंस चोरी करते हुए इसे पकड़ा गया है, जिसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही इसके जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई भी कोर्ट में प्रचलित कराई जा रही है।